आखिरकार में बाबू जिनको देवता भगवान कहते हैं, ये इंद्र विष्णु कोई देवता कोई भगवान नहीं है, ये चोर है, लुटेरे हैं, डकैत हैं, मध्य एशिया ईरान इराक से भेड़ बकरी चराने के बहाने धीरे धीरे हमारे भारत में आए। 3500 वर्ष पहले जब भारत में हमारे आया तो इन लोगों को रहने का ठिकाना कहाँ था, एकदम पहाड़ी इलाका में जंगल में, जंगल के किनारे ऐसे टेंट लगाए ले और रात भर वहीं में रहें। हमार तोहार पूर्वज राजा रहन, खाए के चैन से सोए, तेन्हे आक्रमणकारी वो गांव में पहले निद्रा में पहुंचाए, तो जे बड़ बुजुर्ग रहे ओके काट मार के फेंक दे, नौजवानन के सेना बना के साथे में रख ले, और जितना भारत के बहन बिटिया बचाए इन्हें आक्रमणकारी परसेंटेज के हिसाब से बांट बांट के ले ले बाबूजी। आखिरकार में इतने ना बाहरे हम लोगों का भारत देश, हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम लोग सिंधु घाटी के रहने वाले हैं। विश्व के सबसे चली बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में बताया गया, लिखा गया है, बेईमानों ने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में हम लोगों का इतिहास 6 महीना तक जला। यहाँ से आगे लगी तो इलाहाबाद पहुंचे में कितना समय लगी, एक महीना लगी ना, लेकिन लिखा गया है कि 6 महीना तक जला, पानी बीचे में नहीं बरसा, बूता नहीं आगी। सोचा बाबू गौर करेंगे, 6 महीना तक जला नहीं, इन आक्रमणकारियों को एक एक पन्ना खोल खोल के पढ़ पढ़ के हम लोगों का इतिहास जलाए कि न रही बास न बाजे। इसलिए हमारे भारत देश में ये पाखंड से हम लोग फंसे हैं, हम लोगों का असली इतिहास जर्मनी जापान विदेश संग्रहालय में रखा गया है, जहां बाबा साहब शिक्षा लेने गए थे। गौर करेंगे बाबूजी, भारत के लोग हमार तोहार पूर्वज रहन कैसन, गीत के भाव लगल मास्टर। देवी देवा रहें जब तक हमारे तोहरे में आगी काहे लगाए, अरे मलली वासी लेके भागा अपन प्राण है, जो लड़ाकू थे जाति तो था नहीं उस समय, जो लड़ाकू थे किराना प्रताप की तरह घास की रोटी खा लूंगा, लेकिन इंद्र विष्णु मैं तेरी गुलामी कबूल नहीं करूंगा, कुत्ता कमीना हराम ज्यादा चीर फाड़ के फेंक दूंगा, मैं तेरी पूजा पाठ नहीं करूंगा। उस जंगल में रह लागे कोल भील मुसहरा एवं तो जंगले में जे रही पेटवा भरे बदे कच्चा मांस खाए, लिलगाय खाए, खरगोश खाए, कछुआ खाए, मूस खाए, गोहटा खाए, जो नहीं पावे उही खाए, तो इन्हें विदेशी इंद्र विष्णु कहे देखा देखा इन्हें करिया करिया कैसन है,
इ दैत हवाई इ असुर है इ राक्षस है इ बनमानुष है। ऐसे हमारे आपके पूर्वजों को संबोधित करते थे घृणा शब्द से। ए बाबू आखिरकार में जे नाही डिरान उ कोल भील मुसहरा और जे डराएगा ओके का बनाए लेल है बेईमान। अरे भाई से हमारे पिता जावा भाई ले दे सवासिया डराएगा के ए इंद्र विष्णु तो के देवता मानब पूजा पाठ करब तुहार तो गुलामी कबूल करब हमार खेत क्यारी ले ला हमारे बहनी बिटिया की इज्जत मर्याद ले ला सब कुछ ले ला लेकिन मार के भगाव तन्हे बेईमान करेन का अब यही से देखा षड्यंत्र रचना बाबूजी करेन का परजा बनाए कर रखें कैसे कहे चल तो हमार जूता सुगाजू से तो चमार है चल तो पानी भर आजू से तो कहार है चल तो गैया भैंस पाल आजू से तो अहिर है अहिर है तो काकरी लेकिन शुद्ध रहे तोर काम है तले बा के गाय भैंस तू पाल और घी दूध लिया हम दे और माठा तो नहीं पिया उहे हमने इतना बड़ा मूर्ख है जा सोचा भैया जब मठवा मराया जाता था तो में कौन विटामिन बचा था बा सारा मलाई खत्म कुछ नहीं बचत केवल ठंडाई के काम आता जब गर्मी आ जाए तो तुरंत भीटी चौराहे पर पहुंच जाब के एक गिलास लस्सी माठा मिल जाता पी ले तो पेटे में ठंडाई आ जात हमार समाज माठा पियत पियत ठंडाई के चक्कर में ठंडा के ठंडाई रही गए कहियो गरमावे नहीं भाई गरमानु बेईमान केंद्र और राज्य का सरकार बेईमानी से ले ली है सीबीएम में घोटाला कह के। हाँ तो 2024 में माठा पिया रहा ठंडा आज उस दूध पिए 5 मिनट में नेटवर्क बता घबरा जी 24 कलर दे आज से तो अहिर और चल तू गैया भैंस पाल सॉरी भेड़ बकरी पाल ताकि ठंड लगे तो कम्बल हम लोगों को ढने के काम में आए आज से तू गड़ेरिया इसी प्रकार चल तू लोहार कोहार है ना तू काम कर चल ए बाबू इसी तरह से हम लोगों को बांटे 6743 जाति में बांटे और वो एक जाति में 7 जाति तो जोड़ लीजिए आप लोग पढ़े लिखे हैं कितनी उपजातियाँ हुई 50,000 नियर बाबू आज वही हमने बटा के बटाई है कितना अखिलेश भैया फलाने भैया लग जाते कितना समाज के लोग मर जाते लेकिन फिर एक नहीं होता हमने कैसे बटा है इन बेईमानों का षड्यंत्र रचना फूट डालो राज करो डिवाइड एंड रूल इतना बांट दिया है कि बटे हैं कैसे कि यादों हैं तो यादों में ब्याह करें और वो गोत्र देख कर प्रजापति हैं तो प्रजापति में करें चमार हैं तो चमार में बिंद हैं तो बिंद में पासी हैं तो पासी में हमें तो है रच के ज्ञान हो चाहे अगर पंडित जी के घरे से ब्याहे वाला कार्ड आए तो पढ़ लिया वो लोग कैसे शादी करते हैं गोत्र चेंज करके शादी करथिन और गोत्र चेंज करके शादी करे से जवन लड़का पैदा होता ना वो हाइब्रिड पैदा होता इसीलिए वो लोग शादी कैसे करथिन दुबे हैं तो तिवारी में तिवारी हैं तो पाड़े में पाड़े हैं तो पध्या में पध्या हैं तो मिसिर में मिसिर हैं तो सुकुल में सुकुल हैं तो ओझा में ओझा हैं तो झा में अब है दुबे यही मराए लगे तो चौबे उपध्या मिसिर सुकुल ढेर का रिश्तेदार भैन ना दौड़ा यही बचाओ बदे अब एक ही पासी मरात रहे मोटरसाइकिल से देखत रह देखत स्टार्ट करब चल देब जय मार सारी मार का हमार बियादर है का हमार जाति है हम लोग उसी में बटे हैं बाबूजी इसलिए संघ शक्ति कल जुगे बिना संगठन के हम आप कुछ कर नहीं सकते आज मेरा समाज एकदम बिखर गया है इसलिए हमरन का लोहार कुहार शर्मा वर्मा पटेल बिंद भूमियार मूल निवासी 85 का कीमत बहुत कम हुई बाबा इतना कम हुई बाबा ठेलिया पर अंगूर बेचा था ना ए भैया मंच पे ए जलाल भैया थोड़ा सा ए भैया कीमत इतना कम होएगा बाबा हमरन का कि जैसे ठेलिया पे अंगूर बेचा था ना भैया
जवन टूटा रहत है ओकर कीमत बहुत कम रहत है, और जवन अंगूर गुच्छा में रहत है ओकर कीमत बहुत ज्यादा रहत है। इसलिए हम लोग टूटे हैं, इसलिए हम लोगों का कीमत बहुत कम है, बहुत कम। 165 वाली तक हुई गई बा, 70 पे ही बिक जाते। झाड़ू जब तक बधा रहा था बंधन में तो झाड़ू कचरे को साफ करता है, जब वही बंधन टूट जाता है झाड़ू का तो झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। देखा ना है, पूरा कचरा बा है, हम लोग कचरा हो गया है। तो गौर करेंगे बाबूजी, अखंड भारत में होत का बा, कभी जी यहाँ टेरी के भाव लिख दिए मास्टर ज्ञान प्रकाश जी बांदा से। ये डॉक्टर ज्ञान प्रसाद, ज्ञान प्रकाश, अच्छा सॉरी, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश बांदा जिला से 100-100 रुपए का 100 रुपया पुरस्कार हमें मिला, और उधर हमारे साथी कलाकार सूरज यादव जी को 100 रुपए का ये सम्मान दिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप बधाई के पात्र हैं। जो कि बताए ना कि दूसरे भगवान आप डॉक्टर होते हैं, कोट को नमन है। यह योगी वाला सांड हमारे जेठानी के मार देहेस 4 जगह यहाँ तक फट गए, समझ ला कि डॉक्टर भगवान ही, छोटे लाल डॉक्टर जो कि बचा लिए तो भगवान ही है। आप हमारे, आप तीसरी बार ऑपरेशन कराए, और सूरज जी को ल भैया तो के कहे दे। अच्छा तो सुबह सुखवा सनिचर है ना, शेख चंद प्रजापति के सासु माता जी की ओर से ये देखें 100 रुपए का पुरस्कार। बाहर माई माँ माँ होती है, कितना बड़ा नालायक बेटवा निकल जाए, कितना बड़ा बेटवा हो जाए करोड़पति, लेकिन माँ हमेशा बेटा को यही आशीर्वाद देती है, जा बेटा जा जा, तू सुखी रहना बेटा। माँ कभी ये नहीं कहती कि बेटा तू मुझे सुखी रखना। बारे माई तेरी भाव मास्टर है, यही इलाहाबाद प्रयागराज की धरती लमाही के हमारे पूजने आप दादा कैलाश जी गाय के दुनिया से चला गए। बात तो हो, बहुत जल्दी गाय चली जा। हमारे ससुर ही थे भाई, यहाँ तो सब के जठौत हो के ससुर हो, लेकिन में देवर क्यों न हो। कवि जी भाव लिखे हैं, कैलाश दादा जब गावत रहन बा, तब तू अपने मम्मी के पेटे में रहू। का गावा है, हाये मोरे राम मोरे हनुमान जी पैदा हो गए। बा कनवा में डलले से हो,
उद्यान ऋषि के वीर शर्मा पत्ता पे बहत जात रहा। राजा दशरथ के बहिन चंद्रकला चाट लिहिल तब सरवन पैदा हो गए। तो वीर नहीं मलाई रहा मलाई तो अपने में हरिया के चटाक देख पट्ठे चटाओ चटाओ दू चाटे पैदा करे तब न मन में भैया हरा के यू समय चाटे से पैदा हो जा। फिर चटावत हूँ बड़ा कहता चाहे बाउर सुनता चाहे चोतिया सरेख महान आप लोग हया तुलसी दुबे ने लिखा कि सुमित्रा कई कई कौशल्या तीनों रानी खीर खाइन और वो श्रृंगेरी ऋषि निषाद के गुफा में बा नहीं आ रे चोरी।